हेलो फ्रेंड्स, मैं दया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज की सीरीज में मैं आपको दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं ग्राम विकास अधिकारी या इस लेवल की जो भी परीक्षाएँ होती हैं, वो सभी में टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो पहले जो भी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड पर, पहले आप उन्हें खुद ट्राई करिएगा सॉल्व करने की, फिर उसका आंसर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको दिशा संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बता देता हूँ। आप सभी जानते होंगे दिशाएं चार होती है मुख्यतः। तो वो कौन कौन सी दिशाएं होती हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? हम लोग ऐसे डायग्राम बनाते हैं। इसमें ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ या उत्तर, नीचे होता है दक्षिण या साउथ, और दाईं तरफ होता है पूर्व या ईस्ट, और पश्चिम होता है बाईं तरफ या वेस्ट। और इन मेन दिशाओं के बीच से एक और दिशा निकलती है। तो जैसे कि पूरब और दक्षिण के बीच से जो दिशा निकलेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व या साउथ ईस्ट, ठीक है। इसी तरह से उत्तर और पूर्व के बीच से एक दिशा निकलेगी, उसे कहेंगे उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व या नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसी तरह से पश्चिम और दक्षिण के बीच से दिशा निकलेगी, उसे कहेंगे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, या फिर साउथ वेस्ट, ठीक है। इसी तरह से पश्चिम और उत्तर की तरफ से एक दिशा निकलेगी जिसे कहेंगे उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों, जो मेन दिशाएं होती हैं, जैसे ये है उत्तर और ये है पूर्व, तो इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का बनता है? ये 90 डिग्री का एंगल बनता है किन्हीं भी मेन दिशाओं के बीच में। ये पूरब और दक्षिण के बीच में 90 डिग्री का कोण बन गया, ये 90 डिग्री का कोण बन गया और ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो जब हम उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं तो फिर हम घूम करके फिर से अगर उत्तर की तरफ आ जाते हैं तो ये 360 डिग्री का कोण पूरा बनता है, ठीक है। और इसी तरह से जब हम ये बीच से जो दिशा निकलती है तो ठीक है, तो मान लीजिए उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच में कोण हमें पता करना हो तो ये 90 का 50% होगी, यानी 45 डिग्री का कोण इधर बनेगा और 45 डिग्री का कोण इधर बनेगा, तो 45 45 हो जाएगा, ये टोटल 90, ठीक है, ये 45 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 360 डिग्री का कोण पूरा बनता है जब हम उत्तर से दोबारा उत्तर पे आ जाते हैं या पूर्व से दोबारा पूर्व पे आ जाते हैं, ठीक है। दोस्तों, इसके अलावा जब कोई दिशा दी गई हो और बताया गया हो कि वो बाएं मुड़ा, जैसे कि मान लीजिए दिया गया कि रमेश पूर्व की ओर जा रहा था, तो पूर्व की ओर यानी इधर की ओर जा रहा था, तो यहाँ पूर्व की ओर गया ये, फिर बताया गया दाएं मुड़ा या बाएं मुड़ा, तो ये याद रखिएगा अगर बाएं मुड़ता है तो वो एंटी क्लॉक वाइज 90 डिग्री मुड़ता है, ठीक है, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज मुड़ेगा यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। कहीं से भी किसी भी दिशा को अगर जा रहा हो, मान लीजिए दक्षिण की तरफ जा रहा हो, तो अगर वो बाएं मुड़ेगा, ठीक है, तो वो एंटी क्लॉक वाइज मुड़ेगा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे अगर ये पश्चिम की तरफ जा रहा था तो यहाँ पे पहुँच करके अगर दाएं मुड़ा तो 90 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। इसी तरह से अगर दाएं मुड़ता है, कोई व्यक्ति दाएं मुड़ता है किसी पॉइंट से, तो वो क्लॉकवाइज मुड़ता है। जैसे कि मान लीजिए ये उत्तर की ओर जा रहा था रमेश, एक पॉइंट पर पहुँचा या 10 किलोमीटर जाने के बाद वो दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ा यानी क्लॉकवाइज, तो क्लॉक वाइज यानी घड़ी के चलने की दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है तो इस दिशा में वो 90 डिग्री वो घूम जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा।
अब आइए क्वेश्चंस शुरू करते हैं दोस्तों। अब बोर्ड पर पहला क्वेश्चन है, टाइप वन का ये पहला क्वेश्चन है। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, रमेश उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। इसके बाद वो 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अंत में 180 डिग्री फिर उसी दिशा में घूमता है। अब रमेश का मुंह किस तरफ है? ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। तो इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण, इधर हो गया पूर्व, इधर हो गया पश्चिम। तो रमेश उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम यानी उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो उत्तर पश्चिम हो गया ये। ठीक है, तो इस इधर की तरफ इस पॉइंट पे खड़ा होगा, इधर की तरफ उसका मुंह है। तो अब दिया गया है, पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी दक्षिण घड़ी के चलने की दिशा में, तो इधर की तरफ यानी। तो पहले 45 डिग्री इधर घूमा, फिर उसके बाद 135 डिग्री फिर इसी दिशा में घूमा, फिर इसके बाद वो वामावर्त यानी वापस हुआ एक कितना 90 डिग्री, फिर अंत में 180 डिग्री उसी दिशा में यानी उसी दिशा में फिर। तो इस तरह से अगर हम करके करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो हमें जल्दी से करना है इसको। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप लिख लीजिए वो कितना दक्षिणावर्त घूमा, दक्षिणावर्त फिर वामावर्त, दोनों अलग अलग लिख लीजिए। तो पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 45 डिग्री पहले घूमा, फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमा यानी दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज वो फिर से 135 डिग्री घूमा। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, इसके बाद वो 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। तो कितना 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमा, और अंत में 180 डिग्री फिर उसी दिशा में घूमता है। तो 180 डिग्री उसी दिशा में यानी वामावर्त दिशा में फिर से 180 डिग्री वो घूमता है। ठीक है, अब रमेश का मुंह किस तरफ है? तो इसको पहले जोड़ लीजिए, 5 5 हो गया 10, 4 3 7 1 8 और यहाँ 1 180 हो गया ये, और इसको जोड़ेंगे 0 0 9 8 17 के साथ और यहाँ 2 1 1 2। तो यहाँ पे 270 डिग्री वामावर्त घूमा और 180 दक्षिणावर्त यानी वामावर्त वो ज़्यादा घूमा। तो वामावर्त ज़्यादा घूमा यानी ज़्यादा वाले से कम को हमको माइनस करना है। 270 डिग्री से हम 180 माइनस करेंगे, 270 से 180 माइनस करेंगे। तो 0 0 0 से 0 जाएगा 0, 7 से 8 नहीं जाएगा, 17 से 8 जाएगा, 17 से 8 जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 1, 1 से 1 जाएगा 0, यानी 90 डिग्री यहाँ पे आएगा। तो 90 डिग्री किधर घूमा, वामावर्त दिशा में। 270 से हमने 180 माइनस किया तो दक्षिणावर्त तो खत्म हो गया, वामावर्त बचा कितना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वो वामावर्त घूमा। तो यहाँ पे अभी इसका मुंह इधर है उत्तर पश्चिम की तरफ, तो 90 डिग्री इसको घुमाना है वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर की तरफ, तो ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये 45 डिग्री हो गया, तो ये हो गया 90 डिग्री टोटल। तो अब इसका मुख इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम और दक्षिण के बीच में है यानी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इसी टाइप का है, तो अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करिए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, देखिए उसी तरह से हम लोग डायरेक्शन बना लेंगे, उत्तर पूर्व और दक्षिण और पश्चिम। तो मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, तो पश्चिम की ओर मैंने यानी कि इधर की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। ठीक है, मैं 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ, तो यहाँ पे लिख लीजिए दक्षिणावर्त, यहाँ वामावर्त। तो 45 डिग्री में दक्षिणावर्त दिशा में घूमा यानी कि क्लॉकवाइज, और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता हूँ, उसी दिशा में 180 डिग्री फिर घूमा। ठीक है, फिर 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूँ, अब मेरा मुंह किधर की तरफ है, तो वामावर्त कितना घूमा 270। ठीक है, तो अब जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 5 8 4 12 के 2 और 1 1 2,
225 है ये, 225, और ये है 270, ठीक है। तो ज़्यादा कौन है, वामावर्त वाला ज़्यादा है, तो वामावर्त वाले से हम माइनस कर देंगे ये दक्षिणावर्त वाला, 270 माइनस 225, ये कितना होगा, 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 6, 6 से 2 जाएगा 4, 2 से 2 गया कुछ नहीं बचेगा, तो यानी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री किधर की ओर घूमेगा, वामावर्त की ओर, क्योंकि दक्षिणावर्त तो खत्म हो गया, 270 से 225 माइनस किया तो ये खत्म हो गया, बचा क्या, 45 डिग्री वामावर्त का पार्ट बचा। तो वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वो 45 डिग्री घूमेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज वो 45 डिग्री घूमेगा, तो यहाँ पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है तो फिर से वो 45 डिग्री घूमेगा, 45 डिग्री ये पूरा होता है टोटल 90, और इसका हाफ हो गया ये 45 डिग्री, तो यानी कि वो दक्षिण और पश्चिम, फिर से दक्षिण पश्चिम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन है, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है यह दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो डायग्राम हमें बनाना होगा, ये हो गया उत्तर, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व क्या है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट को क्या कह रहा है, पूर्व, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो दक्षिण पश्चिम कहाँ है, ये दक्षिण पश्चिम है, इसको दक्षिण कहा जाए, ठीक है। तो आगे ही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हमें मिल रहा है कि साउथ वेस्ट को साउथ कह दिया गया, तो 45 डिग्री हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। फिर यहाँ भी देखिए साउथ ईस्ट से ईस्ट हो गया, तो 45 डिग्री हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो यानी कि उत्तर को क्या कहेंगे, नॉर्थ है ये उत्तर, इस इधर से हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री चलने पर ये नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम इसका सही आंसर होगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम तथा अन्य दिशाएं भी इसी तरह बदल जाएं, तो पश्चिम क्या होगा। तो अब आई थिंक आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद ट्राई करिए, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ठीक है, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ये हो गया उत्तर पश्चिम, ये हो गया उत्तर पूर्व, और ये हो गया दक्षिण पूर्व। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो दक्षिण पूर्व कहाँ है, ये है दक्षिण पूर्व, ये क्या हो जाए, उत्तर हो जाए, सॉरी दक्षिण पूर्व ये है आपका दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व अगर उत्तर हो जाए तो ये दक्षिण पूर्व है, ये उत्तर हो जाए, ठीक है। और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व ये है, ये क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, ये यहाँ पे आ जाए, तो अन्य दिशाएं भी इसी तरह बदल जाएं तो पश्चिम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रोटेशन कितना हो रहा है और किधर की तरफ हो रहा है, रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और कितना, ये हो गया 90 डिग्री और ये 45 डिग्री हो गया, तो 90 और 45 कितना हुआ, ये हो गया 135 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री हमें घूमना है, तो पश्चिम को क्या कहेंगे, तो पश्चिम से हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम से चलेंगे, ये हो गया 90 डिग्री और 45 डिग्री और हम चलेंगे, ठीक है,
135 डिग्री हो गया टोटल, यानी कि ये दिशा आ गई, तो यानी कि पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 है, टाइप 3 का ये क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है विनय 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर गया, फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और फिर 5 किलोमीटर चला, अंत में वो पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चला। अब वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक पॉइंट है जहाँ से विनय चल रहा है, किधर? दक्षिण की तरफ गया 8 किलोमीटर, तो दक्षिण की तरफ यानी नीचे की तरफ गया, कितना? 8 किलोमीटर। ठीक है, और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर गया, पश्चिम किधर होगा? ये इधर होगा पश्चिम, तो किधर कितना गया? 3 किलोमीटर। और फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चढ़ा, तो उत्तर की ओर मुड़ा तो 5 किलोमीटर यानी कितना चला होगा? लगभग इतना चला होगा, ये अगर 8 है तो 5 लगभग इतना होगा, उत्तर की तरफ ये इतना चला, और फिर अंत में वो पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चला, तो पूर्व दिशा की ओर चला वो 3 किलोमीटर, यानी कि इतना यहाँ, जब ये 3 किलोमीटर इतनी दूरी हुई तो यानी कि ये भी 3 किलोमीटर यहाँ तक होगा। ठीक है, तो ये 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, तो अब वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो उसका प्रारंभिक स्थान कहाँ था? ये था, और है वो कहाँ पे? इस दिशा में है, तो यहाँ प्रारंभिक स्थान ये है, तो यहाँ से ये कौन सी दिशा पड़ेगी? ये दक्षिण दिशा पड़ेगी। अच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण, इसमें ऑप्शन में लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का, जिसमें दिया गया है किसी दिशा से मैं 35 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर बाई ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला तथा अंत में बाई ओर मुड़कर के 35 किलोमीटर चला, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो इसको पहले आपको सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए दिया गया है किसी दिशा से मैं 35 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, तो मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से मैं दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर चला, दक्षिण की ओर यानी नीचे की ओर 35 किलोमीटर चला, फिर बाई ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला, बाई ओर मुड़ेंगे यानी कि 90 डिग्री मुड़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी इधर की तरफ चलती तो इधर मुड़ेंगे, तो कितना चलेंगे हम? 17 किलोमीटर चला, और अंत में बाई ओर मुड़कर 35 किलोमीटर चला, फिर अंत में बाई ओर मुड़ा, बाई ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर ऐसे ही मुड़ेंगे, तो 35 किलोमीटर से हम लोग चले 35। तो अब बताना है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये 17 किलोमीटर दूरी है, यानी कि यहाँ भी ये दूरी 17 किलोमीटर होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप में बन गया ना, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो 17 किलोमीटर दूरी हो जाएगी प्रारंभिक बिंदु से, ये प्रारंभिक बिंदु था, ठीक है, और ये अंतिम बिंदु है, तो 17 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अब इसी टाइप में अगला क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है सोनू पूरब की ओर 8 किलोमीटर गया, फिर वो दाई ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर गया, फिर दाई ओर मुड़ करके 12 किलोमीटर गया, प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पे है? तो पहले तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसका सॉल्यूशन फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें दिया गया है सोनू पूरब की ओर 8 किलोमीटर गया, तो मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से पूरब की ओर यानी इधर की ओर वो कितना गया? 8 किलोमीटर। ठीक है, फिर वो दाई ओर मुड़कर यानी कि क्लॉकवाइज मुड़कर के यानी इधर की तरफ मुड़ा और कितना गया? 3 किलोमीटर गया। ठीक है, और फिर दाई ओर मुड़कर 12 किलोमीटर गया, फिर वो कितना गया? 12 किलोमीटर, तो ये 12 किलोमीटर गया। तो
अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी का है। तो दोस्तों अब ये प्रारंभिक स्थान था, यहां पे अंतिम स्थान है, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी हमें बतानी है, ठीक है। तो अगर हम इसको मिलाएं तो ये दूरी कितनी होगी, ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगी, ठीक है। और इसको भी मिला दें तो ये हो जाएगा ए बी और सी, तो ये 8 किलोमीटर है और ये टोटल है 12 किलोमीटर। तो यानी ये जो दूरी है ये यहां से लेकर के बी से लेकर के सी तक दूरी निकालने के लिए हमें 12 में से 8 माइनस करना पड़ेगा, तो यानी होगा ये दूरी जो है 4 किलोमीटर हो जाएगी। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा जिसमें बताया गया है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो या फिर इसको ऐसे करते हैं एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए सी स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर क्या हुआ, ए सी स्क्वायर हुआ 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 9 हो गया 25। तो ए सी स्क्वायर 25 है तो ए सी कितना होगा, ए सी हमें निकालना है ना कि ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर अगर हमें पता है कि 25 है तो ए सी निकालने के लिए 25 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे, अंडर रूट 25 कर देंगे। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5, ठीक है। तो यानी कि ए सी की जो दूरी है वो है 5 किलोमीटर, ये दूरी हो जाएगी 5 किलोमीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया गया है मोहन किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, दिशा नहीं मालूम है। वो 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़कर चलने लगता है। तो अब उसका मुंह पश्चिम की ओर है, तो उसकी प्रारंभिक दिशा क्या थी। यहाँ पे अंतिम दिशा बताई गई है पश्चिम की ओर है उसका मुंह, लेकिन प्रारंभिक दिशा वो किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था ये नहीं बताया गया है, तो वो बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें नहीं मालूम है कि वो पहले किस दिशा में चला था, तो हम उसे किसी भी दिशा में चला देंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। मान लीजिए मोहन इस पॉइंट से चलता है, ठीक है, और ये पहले क्या चलता है, वो 20 मीटर चलता है किसी दिशा में, तो किसी भी दिशा में चला दीजिए, 20 मीटर चल गया वो, ठीक है। फिर क्या दिया गया है, 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, बाएं मुड़ेगा यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर 15 मीटर चलेगा, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, दाएं मुड़ेगा यानी इधर चलेगा क्लॉकवाइज, तो 15 मीटर इधर चला, और पुनः दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, तो फिर दाएं मुड़ेगा यानी क्लॉकवाइज इधर की तरफ यानी 5 मीटर इधर चला, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ेगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर की तरफ, तो ये कितना चला, 10 मीटर, और फिर दाएं मुड़कर चलने लगता है, तो फिर दाएं मुड़कर के वो चलने लगता है। तो अब उसका मुंह पश्चिम की ओर है, ठीक है। तो यहां तो देखिए दक्षिण की ओर मुंह दिखा रहा है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, लेकिन उसका मुंह किस तरफ है, पश्चिम की तरफ। तो अब यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ हो गया उत्तर, यहाँ दक्षिण, यहाँ पूर्व, यहाँ पश्चिम, ठीक है। तो हमारा जो अंतिम दिशा आया है वो है दक्षिण, लेकिन इसमें बताया गया है पश्चिम, तो हमारा जो है दक्षिण है, यहाँ बताया गया पश्चिम, तो 90 डिग्री
अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें सही दिशा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रारंभिक बिंदु क्या रखा था, ये रखा था, इधर से पूरब की तरफ चले थे। ठीक है, तो अब हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज चले यानी कि हमें सही दिशा प्राप्त हो जाएगी कि वो कहाँ से चला था। तो पूरब ये है, पूरब से हम 90 डिग्री चलेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चला तो यहाँ पे 90 डिग्री चलने पर कौन सी दिशा प्राप्त हुई, दक्षिण, यानी कि उसकी प्रारंभिक दिशा कौन सी थी, दक्षिण। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो टाइप 5 का क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दिया गया है गांव पी के उत्तर पश्चिम में एक्स है और गांव बी पी से दक्षिण में है, गांव बी के पूर्व में गांव एम है, तो बताइए गांव एम एक्स से किस दिशा में है। तो वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, सॉल्यूशन इसका मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, गांव पी के उत्तर पश्चिम में एक्स है, तो पहले हम ये पॉइंट है, यहाँ गांव पी है, ठीक है, तो इसके उत्तर पश्चिम में एक्स है, इधर हो जाएगा उत्तर, इधर हो जाएगा पश्चिम, ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट, तो उत्तर पश्चिम में गांव एक्स है, ये गांव एक्स है, ठीक है, और गांव बी पी से दक्षिण में है, तो पी से दक्षिण में है गांव कौन सा, बी, तो पी से दक्षिण में हो, यहाँ पे हो गया गांव बी। आगे क्या दिया गया है, गांव बी के पूर्व में गांव एम है, तो गांव बी के पूर्व में गांव एम हो जाएगा, ठीक है, तो बताइए गांव एम एक्स से किस दिशा में है, तो गांव एम एक्स से किस दिशा में है ये बताना है, तो एक्स से किस दिशा में है ये बताना है, ना कि एम से, तो एक्स से हम देखेंगे एम की तरफ, ठीक है, तो ये कौन सी दिशा होगी, ये अगर हम ऐसे चार बन रहे हैं तो ये कौन सी दिशा होगी, ये है साउथ, ये है ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, तो इसका सही आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व, ए ऑप्शन। दोस्तों अब इसी टाइप का अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया गया है यदि ए इंटू बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, तो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है, तो पी डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आर माइनस एस में एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है ये बताना है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें इक्वेशन क्या दिया गया है, पी डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आर माइनस एस, तो सबसे पहले पी डिवाइडेड बाई क्यू को हम देखते हैं, तो डिवाइडेड बाई वाला ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, तो इसी तरह से पी डिवाइडेड बाई क्यू का अर्थ होगा पी क्यू के पूर्व में है, ठीक है, तो इसका डायग्राम हम बना लेते हैं, पी क्यू के पूर्व में है यानी क्यू ये हो गया और पी इसके पूर्व में है, ठीक है, क्यू पश्चिम में है पी इसके पूर्व में हो गया, और फिर क्या दिया गया है क्यू प्लस आर, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, तो यानी क्यू प्लस आर का अर्थ होगा क्यू आर के उत्तर में है, ठीक है, तो यानी कि आर इसके दक्षिण में होगा, आर इसके दक्षिण में होगा तभी तो क्यू इसके उत्तर में हो पाएगा, क्यू इसके आर के उत्तर में हो गया, ठीक है। अब है आर माइनस एस, आर माइनस एस का क्या अर्थ है, माइनस वाला ऑप्शन देखते हैं, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है, तो यानी कि आर माइनस एस का अर्थ होगा आर एस के पश्चिम में है, ठीक है, तो आर एस के पश्चिम में होगा, तो आर एस के पश्चिम में होगा यानी कि एस इधर होगा इसके पूर्व में, ठीक है, तभी आर इसके पश्चिम में हो जाएगा। तो अब ये बताना है कि एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है, तो क्यू ये है, क्यू के सापेक्ष एस बताना है यानी क्यू से एस किस दिशा में है, तो ये इस दिशा में है, अगर हम इसका डायग्राम बनाते तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, तो ये साउथ और ईस्ट के बीच वाला होता है यानी कि साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को अब यही समाप्त करते हैं,
और अगला वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनाना चाहिए ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।